बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल लॉ लीड्स यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, ये लीड्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाकी भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये लेक्चर सुन सकते हैं। जनाब आज का हमारा लेक्चर है बायोस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस मीन्स मेरे पास जब मैं सिस्टम को ऑन करूँगा, तो सिस्टम जब मेरे पास ऑन होगा तो सिस्टम को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, सिस्टम ऑन कैसे होगा, और मेन मेरे पास डेस्कटॉप तक जाने के लिए बायोस के अंदर इंफॉर्मेशन सारी स्टोर होंगी। और बायोस मीन्स रॉम के अंदर मेरे पास ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एक दफ़ा लेक्चर आपको दे भी दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ थोड़ा लिंक करके बताऊंगा। जो भी चीज़ें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में उस स्लाइड में रह गई हैं वो दोबारा यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मेरे से पूछ सकते हैं जी। बायोस क्या है जी? पीसी हाइपोथैलेमस मींस पीसी का दिमाग। पीसी का दिमाग क्या है जी? पीसी का दिमाग मेरे पास सीपीयू है। सीपीयू वर्क्स एज अ ब्रेन। सीपीयू वर्क्स एज अ ब्रेन। बायोस में क्या होगी जनाब जी? इनपुट आउटपुट सिस्टम की इंफॉर्मेशन मेरे पास पड़ी होंगी, ठीक हो गया जी? मेरे पास सिस्टम की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी, ये बायोस के अंदर होंगी जनाब। इसकी इनपुट क्या है और इसकी आउटपुट क्या है? दिस इज हाइपोथैलेमस। आप ये देख लें जी, हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन है, और हमारे साथ जो इसके आयोज हैं वो हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, मुंह है, ठीक हो गया जी। और इसी तरह हमारी जिल्द है, स्किन जिसे कह रहे हैं, ये कोई भी हमें टच करता है तो हमें पता चल जाता है कि किसी ने हमें टच किया है, तो ये हमारे पास क्या है? आयोज होगी हमारे। इसी तरह हमें कोई काम करना है, मतलब हमने कोई चीज़ उठानी है, तो हमारे हाथ उसको उठा लेंगे। इसका मतलब है हमारे हाथ क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर ये अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कंप्यूटर के जो आयोज हैं वो उसका सीपीयू मैं कह रहा हूँ उसका ब्रेन आ गया। अब ब्रेन ने ऑर्डर जारी करना है किसके लिए? ये हो सकता है जनाब जी माउस। माउस एज ए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। अच्छा जी, इसी तरह कीबोर्ड, हम उसको लिख के कुछ बता रहे हैं। हमारे जनाब जी स्पीकर और माइक। स्पीकर जो वो कुछ चीज़ हमें सुनाना चाहता है, मतलब हमको गाना सुनना चाहते हैं, तो वो स्पीकर और सुना देगा। माइक उसको अगर हम कुछ बोल के बताना चाहते हैं तो वो बोल के बता देगा। जैसे कि आजकल आप गूगल क्रोम पे जाएं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आई हुई है जनाब जी ऑडियो की, आप उसे लिख के बता दें या उसे सुना के बता दें, वो आपको सर्च करके बता देगा। ये एडवांसमेंट आ रही है, आप चेक कर सकते हैं जनाब इसको। अब जैसे कि हमारा इंसान का दिमाग था बिल्कुल सेम, हमने उसको इसी तरह पीसी अपना बनाया। अब इंसान को पावर अप के लिए खाना चाहिए, मतलब उसको खाना 3 टाइम का मिलेगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटर में क्या है? तो कंप्यूटर में हम पावर सप्लाई उसको दे देते हैं। पावर सप्लाई एक बहुत बड़ा इशू है आज तक के कंप्यूटर के अंदर, कि हम इसको विदाउट पावर सप्लाई कैसे बनाएं। इस मकसद के लिए हमने बैटरीज बनाई, बैटरीज को चार्ज किया, वो कि आज हमारा लेक्चर नहीं है बैटरीज कैसे काम करती हैं या पावर कैसे है, लेकिन ये है कि सीपीयू मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इसको सप्लाई दी जाए। वो हम किसी तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है जी। आज नेक्स्ट क्लासेस में आपको मज़ीद इस पर क्लियर हो जाएगा। अब क्या है जी? सबसे पहले कि जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपके पीसी को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी। वो तमाम पीसी के डिटेक्ट करेगा कंपोनेंट को। मतलब क्या होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि मैंने जब सिस्टम ऑन किया तो उसने चेक किया मेरे पास कीबोर्ड है, कंपोनेंट है ना ये इसका सिस्टम का, उसके बाद माउस है, यूएसबी पोर्ट्स हैं,
उसके साथ कोई यूएसबी लगी हुई है, उसके बाद प्रॉपर पावर आप मिल रही है, या कोई उसमें वोल्टेज की कमी है। इसी तरह हार्डवेयर में मेरे पास रैम लगी हुई है, रॉम लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करेगा, पीसी के कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन सारी डिटेक्ट करेगा। करने के बाद फिर वो उसकी तरतीब देगा, मतलब ये है कि एक यूएसबी भी लगी हुई है। अब ये यूएसबी इजाफी लगी हुई है, क्योंकि यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी में तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये ना कहिएगा कि सर यूएसबी के साथ तो आम नहीं होता, आजकल कई ऐसी डिवाइसेज आ रही हैं जो यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, कि जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, तक के प्रिंटर तक हमारे साथ हमारे पास कनेक्ट होता है जनाब जी, कंप्यूटर के साथ, जब हम कंप्यूटर को पावर अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ये कंप्यूटर के लिए वो प्रिंटर नहीं है, वो माउस नहीं है, वो कीबोर्ड नहीं है। प्रिंटर के लिए इनिशियली वो ये है कि मेरे पास ये यूएसबी पोर्ट पर कुछ चीज़ कनेक्टेड है, बाद में वो उसको समझता है वो क्या चीज़ है, उसने उसको सिग्नल कुछ देने हैं। जब उसके ड्राइवर उसने ऑन करेगा, जब उसके ड्राइवर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या है मेरे पास। तो ये मेरे पास उसने क्या किया, सबसे पहले पीसी के कंपोनेंट को डिटेक्ट किया जी। अब बायोस में क्या है जनाब जी, ये बायोस मोस्टली आईबीएम के कंप्यूटर में था। आईबीएम मींस, आईबीएम एक कंपनी का नाम है जो माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करती है, जैसे डेल है, IBM है, ठीक हो गया जी, इसी तरह मेट्रोला है, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास कंपनी का एक नाम है, तो इसमें आप परेशान ना होइएगा कि सर ये IBM क्या चीज़ है, और मोस्टली ये स्टूडेंट को बता भी IBM क्या है। अब वो कहता है कि जनाब जी इसके अंदर मेरे पास पीसी की, अब बूट में क्या होता है, या इसके अंदर हम बायोस के अंदर होता क्या है, ये रूटीन हमारे पास सिस्टम को स्टार्ट कैसे करना है, इसकी कौन कौन सी रूटीन हमें चाहिए, मतलब आप जब सुबह उठते हैं आपकी रूटीन क्या है, तैयार होने में और यूनिवर्सिटी पहुंचने तक की रूटीन क्या है, तो ये तमाम रूटीन बायोस में मौजूद होगी। अब इसका मेन पर्पस क्या है, मशीन को चेक करना टू नॉन स्टेट सो दैट सॉफ्टवेयर स्टोर इन कंप्यूटेबल मीडिया कैन बी लोडेड एग्जीक्यूटेड एंड गिवन कंट्रोल टू द पीसी। इट आल्सो प्रोवाइड बेसिक सॉफ्टवेयर ड्राइवर फॉर ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। इसका मेन काम, जैसे कि मैंने पीछे आपको पिछली स्लाइड में बताया, यहां पर फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मशीन क्या है जी, मशीन के साथ क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, उसके ड्राइवर इंस्टॉल हैं या नहीं है, ठीक हो गया जी, और हमने सिस्टम को पावर अप कैसे करना है, इसकी रूटीन क्या है, उसको रूटीन अप में लाना है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर स्टोर होंगी, और यही काम है, कोई ख़ास ऐसा काम नहीं है जी। अब यहाँ पर ये मज़ीद आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है ये फिगर, जैसे कि बायोस मेरे पास है, बायोस की एक चिप होगी, एक आईसी होगी, जैसे आपको नज़र आ रही है, उसके साथ बायोस लिखा भी है, ये कनेक्टेड होगी, या कनेक्टेड का मतलब है या लिंक होगी सीपीयू के साथ, सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, या एज ए ब्रेन, जो बाकी जो अदर डिवाइसेज हैं वो उसके साथ भी कनेक्टेड होगी, इसके पास उसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डिटेक्ट करेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर है, या विंडो 7 है, विंडो 8 है, या विंडो 10 है। इसी तरह मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर, या एप्लीकेशन कुछ इंस्टॉल होंगी, एप्लीकेशन मीन जिसे आप ऐप कहते हैं, जैसे कि आपने जनाब जी उसे क्या कहते हैं, उबर की ऐप आपने इंस्टॉल की हुई, तो वो एप्लीकेशन चेक करेगा इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है जी। आपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन के तौर पर ये आ जाएंगी, या कुछ और एप्लीकेशन इसके साथ कॉन्फ़िगर हैं या चेक हैं, जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, ये वहाँ पर वो उसको चेक कर रहा होगा, मतलब ये बायोस चेक कर रहा है जब स्टार्टअप हो रहा है कंप्यूटर। ये मत कहिएगा कि सर ये हर वक्त चेक करता रहेगा, जब ये कंप्यूटर स्टार्ट है उस वक्त ये बायो चेक कर रहा है, साथ ड्राइवर को वो चेक कर रहा है कि कौन कौन से ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल हैं, या लिंक अप है इसके साथ, बायोस के साथ, ये तमाम चीज़ें बायोस चेक कर रहा है जी। अब पावर ऑन किया जी आपने,
अब यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर का एक वर्ड यूज किया गया है, तो आप उसको माइक्रो प्रोसेसर मीन, माइक्रो का मतलब छोटा, प्रोसेसर को आपको पता है प्रोसेस करने वाला, तो उसे माइक्रो प्रोसेसर आप नाम दे लो। हम इसे प्रोसेसर का भी नाम दे सकते हैं जी। पावर, जब भी कंप्यूटर को टर्न ऑन किया, पावर दी, माइक्रो प्रोसेसर हैज नो आइडिया वट टू डू नेक्स्ट एज देर इज नथिंग एट ऑल इन द मेमोरी टू एग्जीक्यूट। उसे कोई पता नहीं मैंने क्या करना है। इट ट्राइड टू एग्जीक्यूट इट्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड इट हैज टू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम समवेयर। उसे कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे। माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि आप सो के उठे हैं तो आपके साथ एक हराम मगज जो आपके ब्रेन के साथ कन्फिगर है, उसका काम क्या है कि इमरजेंसी रिस्पांस करना। तो उसका मतलब है आपकी रूटीन को दिमाग में लाने के लिए एक स्टार्टअप चाहिए, एक साथ एक्सिलरी या हेल्पिंग मटेरियल चाहिए। वो स्टार्टिंग में क्या होगी, आपने किसी पेज पे सेव करके रखी होगी। सपोज दैट क्या है, आप ख्वाब देख रहे हैं, अचानक ख्वाब देख रहे हैं जनाब, आप उठ गए हैं और उठते उठते जनाब जी अब आप सोच रहे हैं मैंने क्या करना है। पहले तो आपको समझ ही नहीं आ रही मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है जी। अच्छा फिर आप समझ लेंगे अच्छा मैं कहाँ पर हूँ, फिर आप रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल मतलब मेमोरी लोकेशन फाइंड कर रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। आज फिर आप चेक करेंगे दिन कौन सा जी, आज जी मंडे है। फिर आप रिकॉल करेंगे मंडे को क्या होता है जी मेरे साथ, जी मंडे को मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है। अच्छा फिर आप उसके वो रिकॉल कर रहे हैं अपनी मेमोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कि आपने क्या काम करना है, उसके हिसाब से आप काम करते जाएंगे अपना। मतलब आपने नाश्ता किया, तैयारी की, ठीक है, अब लेक्चर का वेट कर रहे हैं, लेक्चर आएगा, मतलब आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए। इसी तरह बायोस प्रोवाइड दोज इंस्ट्रक्शन एंड इट हैज स्टोर इन अ बायोस रोम। वही बात आई जो मैंने आपको पहले समझाई थी। अब वो नीचे वाली जो लाइन है इसमें उसने लिखा हुआ है मेमोरी लोकेशन कौन सी है जी हमारे सिस्टम में, तो वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर ये टिपिकल इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं वो है FFFF0H। H का मतलब है हेक्साडेसिमल, बात वही आ गई जो मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाए थे। तो ये हेक्साडेसिमल आ गया जनाब, और ये मेमोरी लोकेशन क्या बन रही है, मेरे पास F मुझे पता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, वो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए रहने देते हैं। अब इस प्रोसेस को कहते हैं एज ए बूटिंग आर बूटिंग अप, या शॉर्ट में से कहते हैं बूट स्ट्रिप। अब वो कहता है जी होल प्रोसेस इज हिडन बिकॉज द ओनली थिंग डिस्प्ले बाय द मॉनिटर इज द लोगो ऑफ द मशीन मैन्युफैक्चर आर लोगो ऑफ द बायोस कंपनीज। आपके पास डेल का कंप्यूटर है या आईबीएम का है, तो वो सामने इस वक्त जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कि मैंने क्या करना है, कहाँ जाना है, बायोस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उस वक्त आपको वो सामने दिखाएगा ये कंपनी कौन सी है, डेल की है, आईबीएम की है, या किसी और की कंपनी, किसी और मशीन की कंपनी है। तो आप परेशान ना होइएगा, बैक एंड के ऊपर बायोस जो है वो क्या हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है या मेमोरी लोकेशन आ रही है। कौन सी मेमोरी लोकेशन, FFFF0H। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं जी FFFF0H का क्या मतलब जी। मेमोरी लोकेशन है जी FFFF0H। H मैंने जैसे आपको समझाया कि हेक्साडेसिमल नंबर है, अब F इज अ हेक्साडेसिमल नंबर हमने पढ़ा था, और सो FFFF0H इज कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी नंबर, तो हमारे पास एक F फोर्थ बाइनरी नंबर में या 1111 में कन्वर्ट हो जाएगा या बाइनरी नंबर के इक्वल होगा, हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 एफ हैं, तो इसका मतलब है चार दफ़ा मेरे पास बाइनरी नंबर आएगा, सॉरी चार दफ़ा 1 1 आएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1 1 1 1, चार दफ़ा 1 हो गए। अब अगला एफ आ गया जी 1 1 1 1, फिर ये 8 दफ़ा हो गए 1। अब अगला एफ आ गया जी 1 1 1 1, तो ये कितनी दफ़ा एफ हो गया, ये मेरे पास 12 बार हो गया। फिर नेक्स्ट फिर है जनाब जी
1 1 1 1, तो ये 16 बार हो गया। अब अगले हैं जनाब जी 0, तो 0 को भी मैं 4 दफ़ा लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 0 0 0 0, मीन्स बाइनरी मेरे पास जो बन जाएगी या मेमोरी लोकेशन जिस पर वो आपका बायोस पड़ा हुआ है या बायोस की या बायोस स्ट्रिप की जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो मेरे पास मेमोरी लोकेशन बन जाएगी 1 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 0 0 0, तो इस लोकेशन के ऊपर आपका वो या इस लोकेशन को वो मेमोरी पॉइंट आउट कर रही है, यहाँ पर आपकी बायोस की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। अगर कोई 0 या 1 मेरे पास बोलने में मिस्टेक हो गई है तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, लिखा वो जो सामने है वही आपके साथ है, तो उसमें परेशान ना होइएगा कि सर ये आपने बोला कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ पर समझाया कुछ हो रहा है। बायोस फंक्शन जी, अब बायोस के फंक्शन क्या है जी, एक पोस्ट है, एक बोस्ट लोडर लोडर है, बूटस्ट्रैप लोडर है। सबसे पहले पोस्ट, अब पोस्ट का मतलब हम देख लेते हैं जी, पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का मतलब है या पोस्ट का जो मतलब है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, कहता है टेक प्लेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है जी, कहता है टेक प्लेस राइट आफ्टर यू पावर ऑन, इट विल टेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, इंश्योर हार्डवेयर इज प्रॉपरली फंक्शन बिफोर स्टार्टिंग पोस्ट ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ द पोस्ट इज सक्सेसफुल द बायोस कॉल इंट 19 एंड देन प्रोसेस टू लुक फॉर डिवाइसेस अटैच टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की तो हमें समझ है, अगर हम कंप्यूटर को खोल लें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सर्किट सा मिलेगा, एक चिप सी मिलेगी या उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता भी है। तो अगर आपको फिर भी मदरबोर्ड की समझ ना आए तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी कुछ वीडियो कुछ लिंक सेंड कर दूँगा जिससे आपको मज़ीद आसान हो जाएगा। अब हम इसको समझ लेते हैं जी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला बिल्कुल यही इसका मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर का बटन प्रेस करते हैं सबसे पहले वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करता है कि इसके तमाम हार्डवेयर प्रॉपर है, काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है भी या नहीं है, फिर वो कॉल करता है इंटरप्ट 19 और उसके बाद वो क्या करता है जी, इंटरप्ट 19 को कॉल करने के बाद फिर क्या करता है कि वो चेक करता है कि इसके साथ कौन कौन सी डिवाइसेज अटैच हैं, जैसे जनाब मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में मैंने कहा था रैम रोम को चेक करेगा, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं जनाब जी, या मदरबोर्ड पर ही अटैच होते हैं, इसी तरह सीपीयू है ये मदरबोर्ड पर ही अटैच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मदरबोर्ड कंप्लीट हो गया, और भी कोई डिवाइसेज आएंगी, छोटी छोटी डिवाइसेज आएंगी, वो उनको चेक करेगा क्या वो अटैच हैं, वो सही तरह फंक्शन कर रही हैं, ठीक है जी, वो तमाम को चेक करेगा और ये काम करेगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट ये काम कर रहा होगा। अब इसमें एक नई चीज़ है इंटरप्ट 19, ये इंटरप्ट 19 क्या है ये हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, मैंने इसको बकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंटरप्ट 19 क्या है। इसी तरह बूटस्ट्रैप लोडर ये क्या चीज़ है जी, कहता है जी प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ कैपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेटेड बायोस विल पास द कंट्रोल टू इट, चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, लोकेशन उसकी कहाँ है, कहाँ किस जगह किस एरिए में किस महल्ले में वो पाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, वो चेक कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि किस मेमोरी लोकेशन में वो पाया जा रहा है जनाब जी, और वो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा, ये बूटस्ट्रैप लोडर का काम आ जाएगा। बायोस के दो फंक्शन है मेन, दो फंक्शन, एक पोस्ट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप लिख सकते हैं जनाब जी एक पोस्ट है और एक बूटस्ट्रैप लोडर है, तो इसमें परेशान ना होइएगा, बूटस्ट्रैप लोडर का काम है कि वो चेक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, लोकेटिंग कहाँ है जी, उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक हो गया जी, और वो उसको कंट्रोल हैंड ओवर कर देगा, बस ये उसका काम है बूटस्ट्रैप लोडर का। और पावर्स ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का मैंने आपको बता दिया जी। अब इंटरप्ट 19 इसको समझते हैं जी, ये क्या जी, इंटरप्ट
पहले तो हम देख लेते हैं जी इंटरप्ट का मतलब क्या है। मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया, उर्दू में भी मेंशन कर दिया कि अगर आपको इंग्लिश समझ ना आए, इंटरप्ट का मतलब है रुकावट डालना। हम कोई काम कर रहे हैं और कोई एक आपका दोस्त आया, आप यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बड़े इनहाक तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ पता नहीं चल रहा बाहर क्या हाल है। आया साथ, उसने आपको एक थप्पड़ मारा और कहा ओह दोस्त क्या हाल है। आप भी जनाब जी एक दफ़ा सख्त गुस्से में आए, लेकिन आपका काम सारा रुक गया, आपकी पढ़ाई रुक गई। तो ये था इंटरप्ट, आपको मैसेज दिखाना शुरू हो गया, ये एक और इंटरप्ट आ गया। तो इसी तरह इंटरप्ट 19 क्या है जनाब, हम इसको देख लेते हैं जी। कहते हैं इज अ सिग्नल सेंट टू द प्रोसेसर दैट इंटरप्ट द करंट प्रोसेस। वो प्रोसेसर को एक सिग्नल सेंड करेगा कि हमारे पास करंट इंटरप्ट क्या आ रही है, रुकावट क्या आ रही है। प्रोसेस, अब प्रोसेस का मतलब ये, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस आते हैं, प्रोसेस का मतलब है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को कहा जाता है काम, ये कौन सा काम कर रहा है। आपने 5-6 अपने सिस्टम पे एप्लीकेशन रन की हुई है, जैसे कि एक आपकी एप्लीकेशन है, आप इसे कह रहे हैं जनाब जी विंडो एक्सपी, सॉरी गूगल क्रोम, ये एक प्रोसेस आ गया सपोज दैट, समझने के लिए यहाँ पर आप, क्योंकि प्रोसेस और भी छोटे छोटे काम आ जाते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसे कहते हैं गूगल क्रोम एक प्रोसेस आ गया। इसी तरह गाना आपने चलाया हुआ है, वो भी एक प्रोसेस आ गया। इसी तरह और भी आपने कोई चीज़ें साथ रन की, ये प्रोसेस आ जाएंगे। तो आप इसका मतलब ये है इज अ सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर दैट इंटरप्ट द करंट प्रोसेस, के हम कहाँ खड़े हैं, करंट हमारा किस प्रोसेस पे खड़े हैं। अब वो नीचे उसको मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है इंट 19H का मतलब है कि मेमोरी लोकेशन हेक्साडेसिमल 19 पर वो खड़ा है, या 19 पे मेमोरी उसकी पॉइंट आउट हो रही है। कहता है इज अ लो लेवल सिस्टम कमांड नॉर्मली यूज्ड जस्ट आफ्टर पोस्ट टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पोस्ट करता है। पोस्ट का मतलब पोस्ट की डेफिनेशन, पोस्ट का लेक्चर, या पोस्ट क्या है, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई ना कोई स्लाइड पे आपको समझ नहीं आई आप मेरे से पूछ सकते हैं। मजीद देखते हैं जी बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या है जी, टेस्ट द सिस्टम एंड टू रिपेयर द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशन बेस्ड ऑन CMOS सेटिंग। अब ये कहाँ जी, इंस्टॉल हार्डवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड यूजर, लोड द इंटरप्ट हैंडलर एंड डिवाइस ड्राइवर, ये नंबर टू है। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, टेस्ट द सिस्टम एंड प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशन बेस्ड ऑन CMOS। अब ये वो कहता है सिस्टम को चेक करता है और सिस्टम को तैयार करता है ऑपरेशन के लिए ऑन CMOS। ये CMOS ये क्या चीज़ है, उसने कुछ बताया भी है, एक हार्डवेयर है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड यूजर, ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरर और यूज़र की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। ये मज़ीद अगली स्लाइड में CMOS को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर क्या करता है, लोड द इंटरप्ट हैंडलर। अब इंटरप्ट हैंडलर का मतलब ये है कि अगर कोई इंटरप्ट आ जाए तो उसको उसने कैसे हैंडल करना है, ये वो उसको लोड करेगा, चेक करेगा। एंड ड्राइव डिवाइस ड्राइवर, जितने भी डिवाइस के ड्राइवर वहाँ इंस्टॉल हैं वो उनको लोड कर देगा। ये नीचे वही चीज़ वो बताई भी हुई है इसमें, जैसे कि अब डिवाइस ड्राइवर के अंदर अदर पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आइडेंटिफाइड द बेस हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज कीबोर्ड माउस हार्ड ड्राइव एंड फ्लॉपी ड्राइव, ये इसने नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया। इंटरप्ट हैंडलर को भी उसने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि अगर इंटरप्ट अगर आएगा तो उसको उसने कैसे हैंडल करना है, कैसे सेट करना है कि हमारे कंप्यूटर पे असर ना पड़े। कहता है स्मॉल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसको ट्रांसलेट करके बताता जाएगा कि ये हार्डवेयर का कौन सा कंपोनेंट है, ये इसको इंटरप्ट हैंडलर कहते हैं जनाब। तीसरे नंबर पर जनाब जी जो चीज़ आ रही है वो आ रही है इनिशियलाइज रजिस्टर एंड पावर मैनेजमेंट। रजिस्टर मैंने आपको पहले भी समझा दिए थे, अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आ रही रजिस्टर की तो आप कोई मसला नहीं, आप ये कह लें कि CPU को फास्ट कैलकुलेशन कराने के लिए कुछ हमारे पास मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर को एलोकेट किया जाता है तो उसको रजिस्टर कहते हैं, और पावर मैनेजमेंट करने के लिए। ये जी काम था हमारा बूटस्ट्रैपिंग में।
हाँ जी, नेक्स्ट है जी CMOS। मैंने आपको कहा था ये क्या बनता है जी, ये कम्प्लीमेंट्री और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है जी। एक चिप है, इसके अंदर बैटरी जी एक छोटी सी डली होती है। अक्सर कहा वो बैटरी जब ख़राब हो जाती है, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो आपका जो कंप्यूटर है या मतलब इंटरनेट है वो सही नहीं चल रहा होता। आप सबसे पहले उसमें अपनी डेट और टाइम आप दोबारा डालते हैं, उसको सेटिंग करते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर नेट चल रहा होता है। तो ये वो छोटी सी एक डिवाइस मिलती है, छोटी सी एक चिप मिलती है, छोटी सी एक जैसे क्या कह लें सेल सा मिलता है, वो उस कंप्यूटर के अंदर डलता है। अब ये इसके अंदर होता क्या है, इन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड अ माइक्रो कंट्रोलर सी मॉस चिप नॉर्मली प्रोवाइड रियल टाइम क्लॉकिंग एंड सी मॉस मेमोरी। जी सी मॉस, ये सी मॉस एक छोटी सी चिप है जो मेरे पास टाइम, जो भी हमारे पास टाइम चल रहा है 10:50, आप सिस्टम एक आसान सी मैं मिसाल दे देता हूँ, सिस्टम ऑफ हो गया है तो उसका जब आप दोबारा ऑन करते हैं 10 घंटे के बाद या 20 घंटे के बाद या 2 दिनों के बाद, टाइम एंड डेट इसी तरह अपडेट होती है। कैसे, इसका मतलब है सी मॉस एक छोटा सा चिप होगा जो उसके अंदर टाइम को कैलकुलेट कर रहा होगा। अगर वो चिप ख़त्म हो जाए या सेल ख़त्म हो जाए, 15 रुपये का मिलता था, मैंने खुद एक दफ़ा लिया था, एक दफ़ा 3 रुपये का मिला था मुझे, मतलब 5 रुपये का मुझे मिला था। अगली दफ़ा मैं लेने गया तो 15 रुपये का मुझे मिला, मैंने खुद ही वो जनाब सेल डाल दिया, पहले उल्टा डाला वो नहीं चला, फिर मैंने उसको शट डाउन करके दोबारा डाला, फिर उसमें जब मैंने डाला तो सीधा करके डाला तो वो चलना शुरू हो गया। जब वो चला तो उसने मेरे से एक दफ़ा क्या किया, मैं जो टाइम था और डेट था वो उसने मांगी, उसके बाद उसने उसको रिकॉल कर लिया या उसमें अपडेट करता रहा, यह सी मॉस का काम आ जाता है। हाँ जी लोडिंग, वंस फिनिश्ड, एक दफ़ा अगर ये काम फिनिश्ड हो गया अब क्या होगा, इट बिगेन सर्चिंग फॉर ड्राइव टू बूट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चला जाएगा जनाब, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कैसे लेके आना है। अब वो कहता है डिपेंडिंग ऑन द बायो सेटिंग द प्रोसीजर मे ट्राई टू एसेस इन अ प्री डिफाइंड कस्टमाइज ऑर्डर द फर्स्ट सेक्टर बूट सेक्टर ऑफ एनी फ्लॉपी डिस्क एनी हार्ड डिस्क एंड एनी सीडी रोम इन द सिस्टम। अब वो सर्च कर रहा है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, फ्लॉपी में है, फ्लॉपी ख़त्म हो गई है लेकिन मिसाल के लिए फ्लॉपी है या हार्ड डिस्क है या सीडी रोम के अंदर वो पड़ा हुआ है, तो वो उठाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिर क्या करेगा, बायोस विल ट्राई टू इनिशिएट द बूट सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट डिवाइस, इफ इट डज नॉट फाइंड द प्रॉपर फाइल इन द डिवाइस द स्टार्टअप प्रोसेस विल हॉल्ट एंड एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले। ठीक है जी, कोई डिवाइस इफ डज नॉट फाइंड द प्रॉपर फाइल इन द डिवाइस, फिर जो स्टार्टअप प्रोसेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, एक बंद नहीं होगा, एक एरर का मैसेज आना शुरू हो जाएगा जनाब जी, और सिस्टम उससे आगे नहीं चलेगा। तो ये क्या काम है जी, ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आ गया, ये सॉरी ये इसमें लोडिंग का काम आ गया। तो बूट ऑर्डर आर सीक्वेंस ये लें जी, ये नीचे एरर आ गया जी, नो सिस्टम डिस्क आर डिस्क एरर रिप्लेस एंड स्ट्राइक एनी की वैन रेडी। अक्सर कात जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर कात आप ये देख लें उसे हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में एरर आ गया, तो ये इस किस्म के एरर आ जाते हैं जी। जी ये एरर आपने जैसे नीचे है एक तस्वीर में आया, ये एरर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नो सिस्टम डिस्क, मतलब कोई हमारे पास जो डिस्क है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर इंस्टॉल है वो हमारे पास डिस्क ख़राब हो चुकी है, सादा अल्फाज में ये बात ये कह रहा है, आप इसको चेंज कर लो, बराए मेहरबानी चेंज कर लो। मतलब इसका मतलब ये है कि हार्ड डिस्क ख़त्म हो चुकी है बस आपके सिस्टम की। फिर क्या होगा जी, मोस्ट आर सेट टू फर्स्ट लुक फॉर दी बूटेबल फ्लॉपी डिस्क, सबसे पहले वो फ्लॉपी डिस्क को चेक करेगा, आजकल ख़त्म हो गई है लेकिन वो चेक करेगा फ्लॉपी डिस्क, एंड देन इफ वन इज नॉट फाउंड देन प्रोसेस टू हार्ड डिस्क, फिर वो हार्ड डिस्क की तरफ सर्च करेगा।
विच इज यूजली इन सी ड्राइव, सी ड्राइव को ही सर्च करेगा मोस्टली, क्योंकि हम सी ड्राइव में ही, या दुनिया के अंदर एक असूल रख दिया गया है कि सी ड्राइव के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ नहीं आ रही तो मैं ये कह देता हूँ विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10 सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होती है मैक्सिमम। लाजमी नहीं है कि वो सी ड्राइव में हो, डी में भी कोई लोग कर सकते हैं, ई में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक असूल बना दिया या एक रूल बना दिया कि हम सी में इंस्टॉल करते हैं, तो वो यूजली फिर वो सी ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क को सर्च करता है, सी ड्राइव को सर्च करता है। कहता है वंस द हार्ड ड्राइव इज आइडेंटिफाइड इट लुक द बूट इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट प्रोसेस। अब जनाब जी बूट प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो उसको अब स्टार्ट कर देता है। वो क्या होता है जी, इफ इट इज सर्चिंग एन हार्ड डिस्क इट लुक्स फॉर अ मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR एट सिलेंडर 0 हेड 0 सेक्टर 0 the first sector on the disk। अब ये जो सिलेंडर आ गया, हेड आ गया, सेक्टर आ गया, ये एक हार्ड डिस्क का मैं आपके पास एक चैप्टर रख दूंगा समझाने के लिए, एक लेक्चर रख दूंगा जिसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आप सिर्फ इसको सिर्फ याद ही कर लो कि सिलेंडर 0 होगा, हेड 0 होगा, सेक्टर 0 होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पर वो सबसे पहले यहाँ से वो सर्च करना शुरू कर देगा, ठीक है, 0 से, मतलब आप ये कह लो हार्ड डिस्क को 0 से स्टार्ट करेगा सर्च करना कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है जनाब। अब जितनी हार्ड डिस्क की स्पीड तेज होगी इतनी तेजी से वो सिस्टम को सर्च करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च आउट कर देगा। आगे नीचे लिखा हुआ है जनाब जी, इफ अ मास्टर बूट रिकॉर्ड इज फाउंड, अब वो किस जगह पड़ा हुआ है जनाब जी, वो जनाब जी कहता है इट इज रीड इन टू मेमरी एट द लोकेशन 0000-7C00 एंड इंट 19 जंप टू मेमरी लोकेशन। ये इस पर अब क्या करेगा, अब वो मास्टर बूट रिकॉर्ड फाउंड करना शुरू कर देगा कि मेमोरी कहाँ पड़ी हुई है जी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे पास जनाब जी बूटेबल इंफॉर्मेशन या बूट इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, इंट 19 उसको जंप करा देगा कौन सी मेमोरी लोकेशन के ऊपर जी, मेमोरी लोकेशन 0000-7C00, मतलब उसको जहाँ पर आने के लिए बहुत टाइम चाहिए, मतलब वो इतनी ज़्यादा सर्चिंग के बाद, लेकिन जंप 19 या इंट 19 उसको फौरन जंप करा देगा टाइम बचाने के लिए, वहाँ पर वो चीज़ पड़ी होगी जो हमें चाहिए। वो क्या है चीज़, अ मास्टर बूट रिकॉर्ड, वो चीज़ पड़ी होगी और वो वहाँ पर सर्च कर देगा। कहता है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगा, बायोस अटेम्प्ट टू मूव कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम बायोस टू एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर बायोस का काम ख़त्म हो गया और उसका जंप करा देगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको संभाल लेगा। बायोस का काम था कि सिस्टम को स्टार्ट में समझाना, बताना तुमने क्या करना है, वो उसने बता दिया, समझा दिया और जंप आउट हो गया या हैंड ओवर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम साहब तुम आ जाओ और ये काम शुरू कर दो जी। अब जी मेमोरी लोकेशन को समझ लेते हैं जी, 0000-7C00 ये क्या है जी, अगर एक ज़ीरो को मैं चार दफ़ा लिख लूँ तो ये मेरे पास 000, फिर अगले ज़ीरो को मैं चार दफ़ा लिख लूँ 000, अगली दफ़ा फिर मैं चार दफ़ा लिख लूँ तो 0000, फिर अगली दफ़ा चार दफ़ा 0000, और फिर मैं 1 को चार दफ़ा लिख लूँ मतलब 4 बिट में लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा 0111। इसी तरह सी को मैं लिख लूं जनाब जी बाइनरी में तो 1100, इसी तरह फिर 0 आ गया तो उसको 0000, और अगले जो लास्ट में 0 है उसको मैंने लिख लिया बाइनरी के अंदर तो ये 0000। तो मेरे पास जो मेमोरी लोकेशन या टोटल जो बिट बन रहे हैं, इन तमाम बिट को आपस में गिनो, तो मैं इसको गिनता हूँ आपके साथ जनाब जी। आप अपने राइट हैंड से शुरू कर लें, जो नीचे वाली रो है यहाँ से शुरू कर लें, तो ये बनता है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इसका मतलब अब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जनाब जी। ये मैंने काउंट किया 0 1, नीचे मैंने लिखा भी है, इसका मतलब है कि ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का था। आजकल आपसे वो पूछता है जब भी आप सीडी लेने जाते हैं 32 बिट का चाहिए या 64 बिट का चाहिए, तो इसका मतलब ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसका मतलब है अगर 32 बिट मेरे पास दिए हों और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है वो 64 बिट की हो तो वो उसको रीड कर सकता है, लेकिन 64 बिट का अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, हार्डवेयर 32 बिट का है, तो वो उसको रीड नहीं कर सकता जी। ये अब हम ये क्या जा रहे हैं जनाब जी, अब इस लेक्चर के एंड की तरफ चल रहे हैं। कहते हैं कन्फिगरिंग बायोस सीमॉस ओ सी या सीमॉस इसको भी कहते हैं या CMOS सेटअप भी कहते हैं। कहते हैं जी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टार्टअप आर बूट सीक्वेंस यू विल नोटिस आ सीक्वेंस सॉरी सेंटेंस। वो क्या है जी सेंटेंस, वो सेंटेंस है जी कहता है प्रेस टू इंटर सेटअप। जैसे मैंने पहले थोड़ी देर समझाया था, इस तरह का मैसेज भी आपको नीचे नजर आ रहा है, प्रेस डेल टू इंटर सेटअप। वो नीचे लिखा भी है अगर आप पढ़ रहे हैं इस फिगर में, बाद जगह डेल लिखा होता है मतलब डिलीट, बाद जगह F1 प्रेस F1, बाद जगह F2, बाद जगह कुछ और लिखा होता है जी। कहते हैं जी दिस विल कॉज द बूट प्रोसेस टू डाइवर्ट इनटू सीमॉस कॉन्फ़िगरेशन। अब सीमॉस कंटेन स्टोर कॉन्फ़िगरेशन रिगार्डिंग हाउ द सिस्टम इज टू द बूट अप बूटेड। सीमॉस के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं कि सिस्टम को बूट अप कैसे करना है, बूट अप पे कैसे लेके जाना है। अब आपने डिलीट का बटन प्रेस किया, अगर उसने इंटर का लिखा हुआ तो या इंटर का बटन प्रेस किया, या F1 या F2 का लिखा हुआ आपने वो किया, तो आगे वो फर्दर प्रोसेस की तरफ चला जाएगा जी। इसको भी समझते हैं जी कैसे जी, ये लीजिए इट इज कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग सिस्टम सेटिंग सच एज बूट सीक्वेंस कंप्यूटर पासवर्ड टाइम एंड डेट। जी जनाब अब ये यहाँ पर आया, जैसे ही आपने इंटर का बटन या डिलीट का बटन प्रेस किया वो कहाँ पर आ गया, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें चल रही हैं जी। वो आ गया जी अपना नाम मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सेटअप सेट करें, उसके बाद सिस्टम क्या होता है जी ओपन हो जाता है जी। ये यहाँ तक लेकर आया, जैसे यहाँ पर ये देख लें जी, अब ये कुछ फिगर हैं, ये फिगर हमें बता रही हैं जी। स्टैंडर्ड सीमॉस सेटिंग आपने या सेटअप एक दफ़ा कर दिया जी, आपने करना है जो भी करना है वो कर दें। एस्केप का मतलब है क्वाइट कर दें, F10 का मतलब है सेव एंड एग्जिट सेटअप कर दें जी। एरो नीचे बता रहे हैं जी आपने क्या करना चाह रहे हैं जी। ये एक और तस्वीर भी है, ये सीमॉस सेटअप की बात हो रही है यहाँ पर। सीमॉस सेटअप हर दफ़ा नहीं होता, एक दफ़ा होता है, ये मैं फिर बता रहा हूँ। सीमॉस सेटअप एक दफ़ा ही होता है, और अगर आप जाना चाहें F2 या F12 करें या F11 करें तब जाता है, अदरवाइज नहीं जाता उसमें। एस्केप करेंगे तो क्वाइट हो जाएगा, F1 करें तो हेल्प बताता जाएगा, F2 क्या मतलब है चेंज कलर कर देगा। अब वो खास बाकी जो भी सेटअप आपने करना वो कर दें, इसमें कोई मुश्किल काम इसलिए आपको आपका काम नहीं है। तो बाकी ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे बाकी फिर आपके साथ ज़रूरत पेश आती रहेगी आपको समझ आता जाएगा ये जी। ये बूट ऑर्डर है जी, फ्लॉपी बूट डिवाइस, सबसे पहले फ्लॉपी है, पहले अभी जब कहा गया था। सेकंड बूट डिवाइस वो हार्ड डिस्क है, HDD लिखा हुआ है। थर्ड बूट डिवाइस LS120 है जी। LS120 क्या चीज़ है समझ लेते हैं जी, इसको भी मैंने अगली स्लाइड के ऊपर समझा दिया है। कहता है बूट ऑर्डर डिवाइस आगे जितनी भी हम डिसेबल की है, इसका मतलब ये है इसके बाद USB भी हो सकती है। तो CMOS सेटअप में हमने इसको चेंज करना होगा, यहाँ पर USB लिख दें। CD-ROM हो सकती है, इसका मतलब ये लाजमी नहीं कि हार्ड डिस्क के अंदर ही आपका बूट सेटअप हो। तो ये बात हमारे जहनों में बस यही होता है कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लाजमी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इसमें ही हो, हार्ड डिस्क में USB में भी हो सकता है, तो इसमें परेशान ना होइएगा जी। LS120 क्या है जी, लेजर सर्वो 120 कहता है, हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क फ्राम 3M कम्पैक्ट पैनासोनिक एंड OR टेक्नोलॉजी दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1996। आप समझ आ गई, ये अब 3M कॉम्पैक्ट पैनासोनिक एंड OR ये टेक्नोलॉजीज का नाम है, कंपनीज का नाम है, तो इसमें परेशान ना होइएगा। हाँ जी, अदर फीचर में क्या आ जाता है जी, बायोस प्रोग्राम कंटेन चेक द CPU टेम्परेचर एंड वोल्टेज एंड कूलिंग फैन RPM। अब ये बायोस काम कर रहा है,
सीपीयू का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसकी वोल्टेज चेक की जा रही है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड में बताया था, और सिस्टम के जो फैन है उसकी जो कूलिंग है वो चेक की जा रही है कि फैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर का सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है, आप किसी पास लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, वो कहता है जी इसके जो मोटर है वो बंद हो गई है, इसका पंखा नहीं चलता, इसलिए सीपीयू स्टार्टअप ज़्यादा हो जाता है या सीपीयू गर्म ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। ये नीचे बात लिखी भी हुई है, इफ़ आवर हीटिंग अकर द पीसी विल शट डाउन ऑटोमेटिकली। पीसी गर्म क्यों हो रहा है? तो साफ बात है कि पीसी गर्म तो होता ही है, पीसी को ठंडा करने के लिए पंखा लगा होता है, इसका मतलब पंखा नहीं काम कर रहा, ठीक हो गया जी। इसी तरह कहता है जी पीसी कैन आल्सो बी टर्न ऑन बाई फॉर एग्जांपल मॉडर्न सिग्नल सिंस द पावर सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय द मदरबोर्ड, द ऑन ऑफ बटन विल टर्न द पीसी डाउन विदाउट टर्निंग इट कम्प्लीटली ऑफ। आप जो उसका बटन है जहाँ से पावर आप करते हैं, आप इसको दबाई रखें सिस्टम ऑफ हो जाएगा, करके देख लीजिएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो। वाट इज RPM? एक RPM की आई थी, तो RPM क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में आपके कितने मोटर मूव करिए, कितने चक्कर ले रही है, 200, 300, 500, 400, 800, 1000, 2000, तो इसको RPM कहेंगे जी। अब ये लास्ट में है जी, टैटोज क्या है जी, नाम वो कहता है कि सम BIOS कंटेन अ टैटो, अ डिजिटल सिग्नेचर प्लेस्ड इनसाइड द BIOS बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल डेल। तो उसने कोई टैटोज बनाया होता है, मतलब डेल का कोई उन्होंने लोगोग्राम बनाया होगा, इसी तरह एप्पल, वो एप्पल मैक एप्पल बनाया होगा उन्होंने, एप्पल आ जाएगा सामने, ठीक है जी। तो ये मेरे पास किस में, ये टैटोज में पड़ा होता है जनाब, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर दैट डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEE वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज द टैटो टू ऑथेंटिकेट लाइसेंस टू द OEM विंडो इंस्टॉल डिस्क एंड आर सिस्टम रिकवरी डिस्क कंटेन विंडो सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होगा जी, विंडो की इंफॉर्मेशन होगी, विंडो ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, वो विंडो यहाँ पर चेक की जा रही होगी। मजीद, डेल सिस्टम हैविंग टाइटल डू नॉट रिक्वायर एंट्री ऑफ द प्रोडक्ट की, वहाँ में प्रोडक्ट की नहीं चाहिए होगी, ये डेल के सिस्टम में है जनाब जी। द प्रोडक्ट की ऑन द लेबल इन फैक्ट बींग इनवैलिड एंड देन बाई पास विंडो प्रोडक्ट एक्टिवेशन अ कन्वीनियंट टू यूजर एंड टू द माइक्रोसॉफ्ट। अक्सर का हमसे विंडो ये नहीं पूछा जाता, बल्कि पूछा ही नहीं जाता कि विंडो ओरिजिनल है या नहीं है, बस आप विंडो यूज़ कर दें, ये वही सिस्टम है, ये वही बातें जो आपको समझाई जा रही हैं। तो टाइटल तो ये वो चीज़ है या वो चीज़ें बताई जा रही हैं जहाँ पर कंपनी का जो लोगोग्राम है वो आ जाए, डेल का आ जाए या विंडो का अपना आ जाता है। अक्सर का एक खिड़की सी बनी होती है जनाब, उसको ओपन हो रहा है, एप्पल का अपना है जी, सेब सा बन के आ जाता है, वो भी एक तरफ से चक मारा हुआ। हाँ जी, लास्ट में है जी, वाई अपग्रेड BIOS, हमें BIOS क्यों चाहिए, ये लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, हमें BIOS में अपग्रेडेशन क्यों चाहिए। इंसान को भी अपग्रेड ना अगर हो तो वो वहाँ का वहाँ ही रह जाता है, हर रोज़ वो नई बातें सीखता है, हर रोज़ वो नए काम करता है और लर्न करता है, और इसी तरह अगर वो यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन सीखेगा, कॉलेज में आया तो कॉलेज के, स्कूल में तो स्कूल के। अब वो क्या है जी, लार्ज हार्ड ड्राइव सपोर्ट, कहता है ओल्डर BIOS कुड नॉट सी ड्राइवर लार्जर देन 37 GB ड्यू टू 48-bit प्रॉब्लम। ये 48-bit प्रॉब्लम, 32-bit प्रॉब्लम, 64-bit प्रॉब्लम, ये चीज़ें वो हैं, ये थोड़ी सी एडवांस है लेकिन आप इसको बस इतना ही समझ लो जी। न्यू वीडियो कार्ड टेक्नोलॉजी, अगर आप न्यू वीडियो कार्ड लगाते हैं अगर वो BIOS एडवांस नहीं है तो वो उसको रीड नहीं कर सकेगा। इसी तरह जी तीसरे नंबर पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस ACPI कंपेटिबिलिटी, के मेरे पास ये अगर BIOS अपग्रेड नहीं होगा तो इस चीज़ को ACPI को वो नहीं संभाल सकेगा, नहीं देख सकेगा, नहीं कंपेटिबल कर सकेगा। फोर्थ नंबर पे CPU सपोर्ट,
BIOS companies often release a new CPU microcode update to the motherboard. Companies who in turn added them to their BIOS support newer CPU. अगर कोई CPU new आता है, उसका कोड आता है, तो BIOS वो कोड सीख लेगा ताकि CPU नया लगाए. ज़ाहिर बात है, अब आपका अगर CPU बर्न हो गया तो आप जाते हैं मार्केट में नया CPU लेते हैं और उसमें लगा देते हैं. आपको कोई और चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ती. आप क्या करते हैं जनाब जी, विंडो दोबारा कर देते हैं. तो अगर BIOS अपग्रेड नहीं होगा तो वो उसको नहीं समझ सकेगा न्यू CPU को, तो वो सिस्टम नहीं चला सकेगा. इसलिए BIOS का अपग्रेड होना ज़रूरी है. फिक्स प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाता है जी, कोई इसमें फिक्स मतलब कोई एक प्रॉब्लम आ गया, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम आ गए हैं, वो उसको फिक्स कर देगा, सेट कर देगा खुद ब खुद ही. अब इतनी ज़्यादा USB पोर्ट्स हैं, हर USB पर अलग अलग सेटिंग हुई हुई है, वो सारी सेटिंग समझने के लिए जनाब जी जो क्या करता है, फिक्स प्रॉब्लम, वो फिक्स प्रॉब्लम की तरफ चलता है. अक्सर कहा ये USB जब आप कोई नहीं लगाते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, वो USB एरर आ जाता है. आप उस USB को दोबारा निकाल के दोबारा लगाते हैं तो वो एरर रिमूव हो जाता है. छठे नंबर पे लास्ट है जी, मेमोरी सपोर्ट. कहता है न्यूअर फास्टर मेमोरी कैन हैव इशू ऑन योर मदरबोर्ड, माइट बी लार्जर देन व्हाट वाज ओरिजिनली टेस्टेड और अप्रूव्ड. ये जी कंपनी मदरबोर्ड मेमोरी सपोर्ट, न्यू मेमोरी उसमें लगी नहीं लगी. इसकी सादा मिसाल ऐसे दे देता हूँ, इसको ऐसे समझा देता हूँ. अगर 4 MB की या 4 GB की रैम आपने इंस्टॉल की हुई है, तो 4 GB की रैम इंस्टॉल हुई हुई है, आपने 4 GB की एक और स्लॉट के अंदर मेमोरी इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल कर दी, अपग्रेड कर दी, सिस्टम के अंदर फिक्स कर दी, वो क्या करेगा मेमोरी सपोर्ट, कि वो चेक करेगा कि मेमोरी कितनी सपोर्ट कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर देगा. तो ये तमाम वो लेक्चर था, आज का लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ. अगर किसी को कोई चीज़ समझनी है, पूछनी है, मेरे से व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकता है. मैं ये स्लाइड भी अपलोड कर दूँगा और ये साथ आपको ये भी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ये लेक्चर भी मिल जाएगा. और इससे आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये वीक कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय जी.